शिव ने बिग बॉस के घर के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक खेला और वो मास्टर स्ट्रोक अब रिजल्ट कर रहा है घर के जितने भी इक्वेशंस हैं उनकी डायनामिक्स को चेंज करने में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इस वक्त घर का सबसे बड़ा डायनामिक चेंज हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर इस वक्त बात हो रही है शिव की। जी हाँ, हर सीजन में कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है। जैसे सीजन 15 में करण को कहा जाता था कि यू नो करण नीति उन्होंने की है और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट कहीं ना कहीं करण को स्टार्टिंग के फेज में मिला था, वैसा ही कुछ अब शिव के केस में नजर आ रहा है। इस सीजन के मास्टरमाइंड बनकर शिव निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें वैसे भी एक्सपीरियंस है काफी अच्छा खासा, बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो एड ऑन तो होगा ही होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में घर के अंदर टास्क आया था जहां शिव को कैप्टन बनने के बाद जो है यू नो चेंजेस करने थे रूम में, और उसकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। यू नो बेनिफिट्स जो है वो साजिद, एमसी स्टैन, अब्दू एंड उनके साथ गौतम, इन चार लोगों को उसके बेनिफिट दिए गए थे। अब ऐसे में इन लोगों ने जिन लोगों को चुना उससे पूरे घर का डायनामिक चेंज हो गया है, इक्वेशंस बदल गई हैं, रिश्ते बदल गए हैं। और बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि हर नई सुबह किसी की किसी से दुश्मनी हो जाती है या किसी की किसी के साथ दोस्ती हो जाती है। इस वक्त घर के अंदर बिग बॉस ने एक नया सेगमेंट अनाउंस किया है, आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, कई लोग इस लाइन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसको शेयर करते हुए बिग बॉस एक प्रोमो शेयर करते हैं। और चलिए पहले तो आपको ये प्रोमो दिखाते हैं। कोफ्ते बनाने वाले क्या हो चुका है शालीन टीना की दोस्ती का, घर वालों को मिलेगा बिग बॉस से चुगली करने का गोल्डन चांस। आओ बहन चुगली करे। कंफर्म इस बात का कि कहीं ना कहीं सुमल को शालीन के लिए इमोशंस है कि जब भी वो टीना के आसपास या उनके सामने से गुजरते हैं जेलस की भावना आती है। नमस्ते, आप ही का इंतजार था। अब और कितना इंतजार कराएंगे बताइए, मैं कुछ कोफ्ते बनाने में। क्या हो चुका है शादी? तो देखा आपने किस तरीके से बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को मौका दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि भैया आओ और मेरे साथ बैठकर चुगली करो। ये पहला सीजन है जहां बिग बॉस इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को शो पर, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि इस बार बिग बॉस खेलने वाले हैं। तो ये प्रोमो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। उसी के साथ साथ इस प्रोमो में दो बड़ी चीजें साफ नजर आई। पहली चीज कि मान्या ने इस बात को कंफर्म किया कि घर के अंदर जितना हम देख रहे हैं, जितना हम रह रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि शालीन को जो है पसंद करने लगी हैं सुम्बुल, हालांकि वो खुद इस बात को शायद समझ नहीं रही हैं। और दूसरा, अर्चना जो है वो चुगली के बजाय अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर चली गई हैं। सो डेफिनेटली बहुत मज़ेदार एपिसोड होने वाला है। आपको क्या है कहना अर्चना को लेकर, मान्या को लेकर, और ये चुगली सेगमेंट को लेकर बताइएगा जरूर।